हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका किचन 16। आज बना रहे हैं शाही टोस्ट या शाही टुकड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। शाही टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ ली हैं 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस, 1/2 ml मैंने यहाँ मिल्क लिया है, 1 कप शुगर, 200 ग्राम खोया, 1 कप देसी घी, ड्राई फ्रूट्स लिए, आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मैंने यहाँ कैश्यू, आमंड और पिस्ताचियो लिया है, 1 इलायची को क्रश करके लिया है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, येलो फूड कलर लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह ज़ाफ़रान का भी यूज़ कर सकते हैं, 2-3 इंस्टेंट मिल्क में मिला के आप ऐड कर सकते हैं, और वाटर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है और इसको हम ग्रीस कर देंगे घी से और इसे गर्म होने देंगे और इसमें अपने ब्रेड के स्लाइस को सेकेंगे और ऊपर ऊपर से ये घी अप्लाई कर देंगे। बेसिकली जो शाही टोस्ट होते हैं उसमें ब्रेड को देसी घी में फ्राई किया जाता है, हम यहाँ फ्राई नहीं करेंगे, हम उन्हें घी में सेकेंगे। देख सकते हैं इस तरह से इन्हें सेकेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी ब्रेड को सेक लेंगे। अगर आप चाहें तो ब्रेड के साइड्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे जो है वो क्रंचीनेस बनी रहती है। इस तरह से हमें अपनी सारी ब्रेड को रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेड हमारी अब सेक चुकी है, सब रेडी हो गए हैं, अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने एक वोक ले ली है, यानी कि कढ़ाई, आप सॉस पैन भी ले सकते हैं, और इसमें हम अपना मिल्क ऐड कर देंगे क्योंकि हम मिल्क की जो है वो चाशनी बनाएंगे। अब इसमें हम शुगर को ऐड कर देंगे, सिनेमन और इलायची को भी डाल देंगे और दूध में चीनी डिज़ोल्व होने तक हम इसको पका लेंगे। दूध में चीनी अब अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है तो अब हम इसमें अपना खोया ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, रबड़ी हमारी अब रेडी है, इसमें देखिए खोल आने लगी है और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है, तो अपनी फ्लेम को अब हम स्लो कर लेंगे और इसमें हम 1 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे। फ्लेम को कर देंगे हम अब ऑफ क्योंकि ये हो चुकी है अब रेडी और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच केवड़ा वाटर और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो अब हमारी रबड़ी हो चुकी है थोड़ी ठंडी, हमें बिल्कुल ठंडी रबड़ी नहीं करनी है, हल्की सी गर्म होनी चाहिए और अब हम कर लेंगे इसको अरेंज। तो आप इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को अरेंज कर लीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस को ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं और हम करेंगे इसके ऊपर पोर रबड़ी को। इस तरह से आप रबड़ी को इसके ऊपर पोर कर दें, थोड़े से ड्राई फ्रूट को स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर और बाकी जो हमारे ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको भी हम इसके ऊपर अरेंज कर देंगे इस तरह से और अपनी सारी रबड़ी जो है वो इसके ऊपर फैला देंगे। और तो फ्रेंड्स, हमारा एक लाजवाब डेजर्ट तैयार है। तो अब इसके ऊपर हम अपने बचे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स को स्प्रेड कर देंगे अच्छे से और आप इसको 1 घंटा फ्रीज में रखकर सर्व कीजिए। ये बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत ही सिंपल ये डेजर्ट है।